हिमाचल प्रदेश में अदालत के हस्तक्षेप से बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है और सोलन में प्रशासन भी कार्रवाई करने से बचता हुआ नजर आ रहा है और सूचना अधिकार अधिनियम की ओर से चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। वर्ष 2015 में निदेशक नगर एवं ग्राम योजना की ओर से सोलन उपायुक्त और तहसीलदार को आदेश जारी किए गए थे कि जब तक विभाग की ओर से आवश्यक सर्टिफिकेट जारी ना किए जाएं, तब तक किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री ना की जाए, लेकिन जब जांच की गई तो उसमें कई फ्लैट रजिस्टर हुए पाए गए और उन लोगों पर कार्रवाई होने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया गया। आरटीआई के तहत मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए गए, जिस पर आरटीआई ने प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। मैंने आरटीआई लगाई दिसंबर 2017 में, तो दिए गए जवाब में इमीडिएट रिमाइंडर देकर उस मामले को टालने की कोशिश की गई। मैं ये चाहता हूँ कि जिन जिन फ्लैटों की रजिस्ट्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर अनैतिक रूप से तहसीलदार सोलन द्वारा की गई है, उन फ्लैटों की रजिस्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। मैं जिला प्रशासन सोलन और हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को जल्द से जल्द कार्रवाई कर सच्चाई को सामने लाया जाए।